देख दोस्तों, चैप्टर तीन, और चैप्टर तीन में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, एक्वारजिया, थ्री एच सी एल, वन एच एन ओ थ्री, यानी तीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भाग और एक एच एन ओ थ्री दोनों नाइट्रिक अम्ल मिलकर एक्वारजिया बनता है। एक्वारजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में मिश्रण होता है। तो फाइनली इसको पूछा जा सकता है, ये एक भभकता द्रव होता है जिसमें सोना और प्लेटिनम से धातु को गलाने की क्षमता होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये इसका। अम्ल धातु लवणों के साथ धातु की अभिक्रिया क्या है, इस टॉपिक को देख लेना आप। फिर अगला प्रश्न है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी ऐसी सूची होती है जिसमें धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर औरही क्रम में अथवा घटते क्रम में रखा जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील है वो पोटेशियम है यहाँ, और सबसे कम है वो सोना है, इसको याद रखना आप। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखें अपन, इसमें धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति खनिज कहलाता है जिसे जमीन के खोद कर निकाला जाता है, उसके बाद में उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसे अपन एक्स कहते हैं। और एक्स आपको याद रखना है, कौन कौन से एक्स याद रखना है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है पारा एच जी, जिसे अपन मरकरी कहते हैं, इसका एक सिनेबार है एच जी एस, इसका फॉर्मूला है। फिर आपको कुछ मिश्र धातु याद रखनी है, जैसे पीतल किससे बनता है, कांसा किससे बनता है, सोल्डर किससे बनता है। फिर अम्लगम, मिश्र धातु में एक पारद एच जी हो उसे अपन अम्लगम कहते हैं, इस टॉपिक को आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यश दलेपन। संसारण से सुरक्षा, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यश दलेपन। लोहे इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यश दलेपन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये तीसरा चैप्टर है जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। याद रखना ब्रोमीन, ब्रोमीन ए धातु है जो द्रव व्यवस्था में पाई जाती है, अपवाद याद रखना। इसी प्रकार आप याद रखना एच जी पारा, जो धातु होते भी द्रव व्यवस्था में होता है, एक तो एच जी पारा याद रखना, एक ब्रोमीन। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने बता दिए इस चैप्टर से, और कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है देख लिए देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, इसको याद रखना है। अनोडीकरण क्या है, ये आपको याद रखना है।